ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है पार्टोग्राफ। चलो इसको बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्टोग्राफ को ही कहीं पे आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, पार्टोग्राम भी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना पार्टोग्राफ और पार्टोग्राम में। अब सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था, तो 1954 में इसे बनाया था किसने, फ्राइडमैन ने। क्लियर हो गया। फिर 1972 में मॉडिफिकेशन किए गए, किसने किए, वो किए आर एच फिली पॉटर ने, ठीक है। आर एच फिली पॉटर ने इसमें मॉडिफाई किया पार्टोग्राफ को 1972 में। तो ये दो चीज़ें बहुत याद कर लीजिएगा, क्योंकि पार्टोग्राफ में से ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो पार्टोग्राफ क्या है, सबसे पहले समझने के लिए हमें डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन सिंपल बनाते हैं इसकी, ठीक है। क्या है पार्टोग्राफ, ये क्या है, हम ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ लेबर, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लेबर, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस ऑफ लेबर इन विच ग्राफिकली रिकॉर्ड, ग्राफिकली रिकॉर्ड ऑल द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू किससे, मैटरनल एंड फीटल स्टेटस। अब इस ये कैसे सिंपल है, इसको समझ लेते हैं। मैंने बोला प्रोसेस ऑफ लेबर, एक लेबर का प्रोसेस है। दो चीज़ें होती है, एक होता है पार्टोग्राफ, एक होता है बिशॉप स्कोर। बिशॉप स्कोर बताता है मैटरनल रेडीनेस को, मदर रेडी है कि नहीं है लेबर के लिए, वो पढ़ते हैं हम बिशॉप स्कोर में। लेकिन यहाँ पे लेबर शुरू हो चुका है, प्रोसेस ऑफ लेबर है, मतलब लेबर के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकली रिकॉर्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ग्राफिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं किसको, रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को। मतलब लेबर का ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ग्राफिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, किससे रिलेटेड रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, मदर से और बेबी से। सिंपल चार वर्ड याद रखने, प्रोसेस ऑफ लेबर जिसमें हम रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि मदर और फीटस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ लेबर है इन विच ग्राफिकली रिकॉर्ड, ग्राफिकली रिकॉर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशंस, ऑल द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैटरनल और फीटल स्टेटस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया हमारा, हमको पता चल गया पार्टोग्राफ क्या है, मतलब मदर और फीटस के बारे में उनके स्टेटस को ग्राफ के, एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे, क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या होता है, पहला प्रिंसिपल है जो एक्टिव फेज होगा, मेनली आपने पढ़ा होगा एक्टिव फेज, लेटेंट फेज पढ़े होंगे ना। तो एक्टिव फेज में क्या होगा, जो एक्टिव फेज होगा वो क्या होगा, एक्टिव फेज में जो कॉमनली डायलेशन होता है, ठीक है, कॉमनली जो डायलेशन देखने को मिलेगा हमें, सर्वाइकल डायलेशन, वो कैसा होना चाहिए, वो लेस देन 3 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ये कहें कि वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगा, ठीक। तो एक्टिव स्टेज में हमारा 3 सेंटीमीटर कम से कम क्या होना चाहिए, सर्वाइकल डायलेशन। पहला प्रिंसिपल एक्टिव स्टेज, एक्टिव फेज ऑफ द लेबर में जो सर्वाइकल डायलेशन होगा वो कैसा होगा, कॉमनली कितना होता है, कॉमनली होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हमारा कॉमन होता है, ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है अगर लेटेंट फेज, कभी भी जो लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज कितने आवर्स की होती है, 6 to 8 hours की होती है। तो आपने ये ध्यान रखना, 8 to 10 भी लिखवाया है मैंने, लेकिन मल्टी ग्रेविटी में 6 to 8 होती है। तो कभी भी जो लेटेंट स्टेज है वो मोर देन 8 hours नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 8 hours से कमी होनी चाहिए, 8 hours होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल, जो सर्वाइकल रेट है, मतलब सर्वाइकल डायलेशन का, सर्विक्स के डायलेट होने का जो रेट है मतलब वो कितना होना चाहिए,
वन सेंटीमीटर पर आर, ठीक है। कब वन सेंटीमीटर पर आर कब होना चाहिए? एक्टिव लेबर प्रोसेस में, ठीक है। हमने पढ़ा था थ्री सेंटीमीटर तक तो कितना होता है 0. ये हमने पढ़ा था प्रीमी ग्रेविडा में 3 सेंटीमीटर तक जो डाइलेशन होता है उसकी स्पीड होती है 0.5 सेंटीमीटर पर आर, ये ध्यान रख लेना, ये ऐड कर लेना वहाँ पे चाहिए, ठीक है। जो सर्वाइकल डाइलेशन लिखाया होगा मैंने लेवर में उसमें लिख लेना। प्रीमी ग्रेविडा में अगर 3 सेंटीमीटर तक, जहाँ जब तक 3 सेंटीमीटर होगा तब तक बहुत स्पीड कम रहती है, ठीक है। और ये मल्टी ग्रेविडा में 3 सेंटीमीटर तक कितनी स्पीड रहती है? 1 सेंटीमीटर पर आर। और मल्टी ग्रेविडा में 3 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद कितना हो जाता है? 1.5 सेंटीमीटर पर आर। और प्रीमी ग्रेविडा में कितना हो जाता है? 1 सेंटीमीटर पर आर। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब सर्वाइकल डायलेशन का रेट होगा वो जब 3 सेंटीमीटर के बाद कितना होगा? 1 सेंटीमीटर पर आर होगा। चौथा, जो वजाइनल एग्जामिनेशन है वो हर एवरी फोर आवर्स में होना है, क्लियर है। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं, दोबारा एक बार देखते हैं हम इनको। पहले प्रिंसिपल में हमने क्या बोला, जो एक्टिव फेज है, क्या है? एक्टिव फेज में क्या होना चाहिए? कॉमनली जो सर्वाइकल डाइलेशन होगा, सर्वाइकल डाइलेशन कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरे में हमने क्या बोला? दूसरा प्रिंसिपल हमने बोला जो लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज में मोर देन 8 आवर्स का टाइम नहीं लगना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल हमने बोला कि जो सर्वाइकल डायलेशन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? वो 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा हमने बोला जो वजाइनल एग्जामिनेशन है, ठीक है, पर वजाइनल एग्जामिनेशन, वो एवरी 4 आवर में होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिए प्रिंसिपल, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब प्रिंसिपल के बाद पार्टोग्राफ के पर्पस क्या है? पर्पस में क्या है? सबसे पहला पर्पस तो ये है, आपको इससे क्या पता चलेगा? एक्टिव और लेटेंट फेज का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। एक्टिव और लेटेंट फेज का डिफरेंस यहीं से पता कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ आपको क्या पता चलेगी इसमें, ये क्यों करते हैं आप? अगर क्लिनिकली कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? क्लिनिकली करते हैं ना ऑब्जर्व, हम कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पार्टोग्राफ के थ्रू वो कैसे होता है? एक्यूरेट होता है। कैसे होता है? एक्यूरेटली। तो पहला तो एक्टिव और लेटेंट के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए हम पार्टोग्राफ का यूज़ करते हैं। दूसरा, जो भी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने के लिए, क्या करने के लिए? एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने के लिए। तीसरा पर्पस और क्या हो सकता है? जो भी लेवर का प्रोसेस है, बाई चांस अगर लेवर के प्रोसेस में, ठीक है, लेवर में क्या हो गया, कोई भी डेविएशन आ गए, डेविएशन मतलब कोई चेंजेस आ गए, अल्टरनेस आना वो भी लेवर की प्रोसेस में, वो भी आपको किससे पता चलेगा? वो भी आपको पता चलेगा पार्टोग्राफ से। चौथा, अगर लेवर के प्रोसेस में, लेवर प्रोसेस का पता चलता है, ये तो हमने बोला लेवर में कोई डेविएशंस आ गए मतलब चेंजेस आ गए तो उसका भी पार्टोग्राफ से पता चलेगा। चौथा, अगर लेवर का प्रोसेस पता चलेगा आपको इससे, कैसे? लेवर का प्रोसेस आप असिस करोगे तो आपको पता चलेगा नीड, ठीक है। पेशेंट अगर डायलेट नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे, तो सारी चीज़ें यहीं से तो पता चलेंगी, तो आपको नीड पता चलेगी। नीड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? एक्शन कर सकते हो। एक्शन से नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो? टाइमली रेफर कर सकते हो पेशेंट को, ठीक है। तो ये चौथा यूज़ हो गया इसका, मतलब लेवर का प्रोसेस पता चल सकता है आपको। प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपको नीड पता चल सकती है पेशेंट की, अब आप उसमें क्या एक्शन करने वाले हो, क्या मैनेजमेंट करने वाले हो, वो पता चलेगा। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप उसको टाइम रहते रेफर कर पाओगे, तो वो भी आपको किससे पता चलेगा? पार्टोग्राफ से। नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है पेशेंट के अंदर, कौन सा स्टेज चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी हमें? पार्टोग्राफ से। एक और चीज़ पता चल सकती है हमें, वो क्या है? जो भी मदर के बारे में, मैटरनल वेलबींग, ठीक है, मैटरनल वेलबींग के बारे में भी हमें पता चल सकता है। तो ये हमारे क्या हैं? पर्पस हैं। दोबारा बता रहा हूँ, पहले हमने बोला एक्टिव और लेटेंट फेज के बीच में आपको डिफरेंस पता चलेगा इससे।
क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो भी आप देख रहे हो हॉस्पिटल सेटअप में वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर पाओगे आप। अब हमें दिख कुछ और रहा है, ठीक है, जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, पार्टोग्राफ भरेंगे, तब हमें पता चल जाएगा क्या कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं ये एक्यूरेट है कि नहीं है। ठीक है, एक ऑब्जर्व करना अलग होता है, उसको एक्यूरेट रिकॉर्ड करना अलग होता है। तो एक्यूरेटली रिकॉर्ड होगा पार्टोग्राफ से। फिर अगर लेवर में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं या अल्टरनेस आ रही हैं तो वो भी आपको इससे पता चलेंगे। अगला, लेवर का जो प्रोसेस है, लेवर का प्रोसेस पता चलेगा आपको इससे। कैसे? तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट की नीड क्या है, अगर उसको कोई नीड है तो वो पता चलेगी आपको। दूसरा, एक्शन पता चलेगा कि अब आपको क्या एक्शन करना चाहिए, और अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो गई आप उसको टाइमली रेफर कर सकते हो, तो इसके लिए भी हमको हेल्प करता है पार्टोग्राफ। लास्ट, मैटरनल वेलबींग, मदर की भी आप क्या वेलबींग चेक कर सकते हो उससे। ठीक है, मदर हेल्दी है कि नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। अब हम बात करते हैं जो पार्टोग्राफ होता है, ठीक है, वो मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। डिवाइडेड नहीं रहता, मतलब हम बांटते हैं इसको तीन पार्ट्स में। क्यों बांटते हैं? ये तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया, ये सेकंड पार्ट लिया, थर्ड पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट में तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेम होगा, एज होगा, डॉक्टर का नाम होगा, हॉस्पिटल होगा, डेट ऑफ एडमिशन होगा, टाइम ऑफ लेबर होगा। मतलब जैसे पेशेंट हमारे पास 7 बजे आया, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसको लेवर भी 7 बजे ही स्टार्ट हुआ हो सकता है 6 बजे ही उसका लेवर पेन स्टार्ट हुआ हो और वो 7 बजे पहुंचा हो। तो यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन और टाइम अलग अलग दोनों मेंशन होती हैं, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप भर ही लोगे। डॉक्टर का नाम वगैरह सारा आता है सबसे ऊपर से, मैंने बोला, ठीक है, यहाँ पे आएगा नेम, डॉक्टर का नेम, पेशेंट का लेबर, ग्रेविडा कौन सा है, पैरिटी कौन सी है उसकी। ठीक है, ग्रेविडा और पैरिटी में आप मुझे अंतर बताओगे कि ग्रेविडा क्या होता है और पैरिटी क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो ये सारा हम इस वाले सबसे ऊपर वाले टॉप वाले कॉलम में भर लेते हैं। उसके अलावा तीन पार्ट में बांटा रहता है, क्लियर हो गया। पहला वाला पार्ट होता है फीटल पार्ट, मतलब फीटल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो चार्ट होगा बड़ा सा, उसमें जो सबसे टॉप पे पार्ट रहेगा उसके बाद उसमें कौन सा भरा रहेगा, फीटल्स के बारे में दिया रहेगा, हम देखेंगे अभी कैसे। दूसरा वाला वो होगा लेबर की प्रोसेस के बारे में, ठीक है, लेबर कैसा चल रहा है उसके बारे में होगा दूसरा। तीसरा होगा आपका मदर के बारे में। तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, क्या पढ़ा था हमने कि प्रोसेस ऑफ लेबर का प्रोसेस है जिसमें हम मदर के और फीटल के स्टेटस के बारे में रिकॉर्ड करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक पार्ट करके पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सबसे टॉप वाले पार्ट में तो मैंने बता दिया पार्ट वन से ऊपर, अब बात करते हैं पार्ट वन की। तो जो पार्ट वन है उसमें क्या मैंने बोला, फीटस का चेक करते हैं। तो फीटस के अंदर तीन चीज़ें चेक करते हैं, एक तो करते हैं FHR, ठीक है, पहले FHR की बात कर लेते हैं। दूसरा इसमें करते हैं क्या, एमनियॉन, लिक्वर एमनियॉन, ठीक है, लिक्वर मतलब फ्लूड, एमनियॉन मतलब एमनियोटिक फ्लूड, तो लिक्वर एमनियॉन चेक करते हैं। तीसरा इसके अंदर मेम्ब्रेन भी चेक करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या चेक करते हैं हम, मोल्डिंग चेक करते हैं, मोल्डिंग, ये एमनियॉन और मेम्ब्रेन आप एक ही में समझ लो, क्लियर है। अभी हम बात कर रहे हैं FHR की, मैंने क्या बोला, एक होता है FHR, दूसरा होता है लिक्वर या एमनियॉन, या इसी में हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन भी, ठीक है, और लास्ट आता है हमारा मोल्डिंग। तो ये तीन चीज़ें हम किस में चेक करते हैं, फीटल पार्ट के अंदर, मतलब सबसे टॉप वाले पार्ट में हम इन तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, भरेंगे हम बाद में कैसे भरेंगे, पहले हम केवल थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। FHR क्या होता है, फीटल हर्ट रेट। फीटल हर्ट रेट कब चेक करनी चाहिए, ये मैंने आपको शायद लेबर वाले प्रोसेस में मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था कि अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चल रही है तो उसमें हर 30 मिनट में, और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मैंने शायद गलती से बता दिया था उसमें 15 मिनट। तो इसको आप कर रहे हैं ना, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जब चलती है तो हर 5 मिनट में चेक करना पड़ता है, क्लियर है। तो सेकेंड वाली स्टेज में आप कर लेना, FHR करते हैं हर 5 मिनट में, फर्स्ट वाली स्टेज में 30 मिनट में। अब FHR में आपको देखने को क्या मिलेगा, FHR में आपको देखने को मिलेगा 120 से लेके फीटल हर्ट रेट कितना होता है नॉर्मल, 160 बीट्स पर मिनट, क्लियर हो गया, ये देखने को मिलेगा आपको। और क्या देखने को मिल सकता है, FHR बस इतना ही है, ठीक है। तो FHR ऐसे चेक कर लिया आपने, फिर फीटल FHR के बाद आता है क्या, लिक्वर एमनियॉन, क्या आता है, लिक्वर एमनियॉन, लिक्वर एमनियॉन क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, लिक्वर को देखेंगे, तो लिक्वर का कलर क्लियर है, ठीक है, या ब्लड आ रहा है उसमें, या मैकोनियम स्टेन आ रहा है उसमें, ठीक है।
ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो आप उसको ऐसे ही डिनोट करोगे। ये कैसे करेंगे, या तो क्लियर आएगा या ब्लड होगा उसमें या मेकोनियम होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें लिक्वर एमनियन में आप देख लोगे, क्लियर है, ये तीन चीज़ें ही हम देखते हैं एमनियन में। उसके बाद तीसरा जो तीसरी चीज़ आती है मोल्डिंग, ये भी हम बच्चे का ही देखते हैं। अब ये मोल्डिंग क्या होता है, मोल्डिंग क्या होता है देखिए, ये हमने पढ़ा था पेल्विस वाला पार्ट, ठीक है, ये पेल्विस वाला पार्ट समझ लीजिए इसको। जब बेबी का हेड आता है कहाँ पे आता है, बताया था मैंने, ईस्टल स्पाइन पे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेशन। अब आप स्टेशन समझ सकते हैं, आप कोई से भी स्टेशन में रहते हैं, जैसे आप घर को जाना होता है, कहीं को भी जाना होता है, स्टेशन में आते हैं ना, तो फीटल का हेड भी स्टेशन में आता है पहले। तो स्टेशन से, जैसे मैंने बोला आपको कि आप हल्द्वानी से कितना आ गए, ठीक है, या दिल्ली से हल्द्वानी कितना चले गए, या दिल्ली से देहरादून कितना चले गए, तो आप क्या बोलोगे, आप वहाँ से स्टार्ट करते हो स्टेशन से, तो स्टेशन पे आप जीरो मानते हो, तो यहाँ पे हम जो ईस्टल स्पाइन पे जब बेबी का हेड आ जाता है उससे मानते हैं जीरो, ठीक है। अगर वन फिंगर ऊपर है तो माइनस वन में ले लेते हैं उसको, ठीक है, अभी बेबी का हेड आया नहीं है नीचे। अगर स्टेशन पे आ गया तो हमें फीटल का हेड जब हम वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें फील हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब माइनस वन पे होगा तो हम कहेंगे कि हाँ स्टेशन से ऊपर है, ठीक है, मतलब डिलीवर होने वाला है, तो नीचे की तरफ प्लस वन आएगा और प्लस टू आएगा, प्लस थ्री आएगा, ऐसे करके आता है बेबी का हेड, जैसे जैसे डिसेंट होगा वैसे वैसे आएगा। लेकिन डिसेंट होते होते एक और चीज़ होती है, बेबी के जो सूचर्स होते हैं वो बिल्कुल अटैच नहीं होते, ठीक है, उनमें क्या होता है, मोल्ड होते हैं, मोल्ड होते हैं, मतलब जैसे ये टू बोन है तो जीरो, जब जहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, तो जीरो पे तो ये दो बोन केवल एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, आई होंगी, लेकिन जैसे ही वन होगा, प्लस वन में क्या करेंगी, हल्की से स्लाइटली इसके ऊपर आ जाएगी ये, ठीक है, सॉरी जीरो पे तो आ गई, अब जैसे जीरो से नीचे को आएगी तो क्या करेगी ये दोनों एक दूसरे पे टकराएंगी, ठीक, तो ये तो आ जाएगा हमारा प्लस वन, अब जैसे ही स्लाइटली इसके ऊपर जाएगी तो आ जाएगा प्लस टू, अब स्लाइटली गई है लेकिन तीसरे वाले में कैसे जाएगी, उसके और ऊपर मोल्ड हो जाएगी, और चौथे वाले में कैसे जाएगी, प्लस फोर में, सीवियरली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। तो बोन्स की जो सूचर के इम्प्रॉपरली कनेक्ट होने की वजह से, जब बोन एक दूसरे के ऊपर, स्कल की बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम मोल्डिंग, क्लियर हो गया। मोल्डिंग में हम यही देखते हैं कि स्लाइटली मोल्ड हुआ है या फिर ज़्यादा मोल्ड हुआ है, कम मोल्ड हुआ है, ठीक है। तो हमने बोला कि पार्टोग्राफ के पहले पार्ट में हमने तीन चीज़ें देखी, एक तो आपने भर दिया FHR, ठीक है, दूसरा आपने उसमें भर दिया कि एमनियन लिक्वर और जो भी उसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को कैसे भरते हैं, जैसे मेम्ब्रेन हो गई तो मेम्ब्रेन में आप क्या लिखते हैं, इंटैक्ट लिखते हैं, या तो इंटैक्ट लिखेंगे या रप्चर लिखेंगे या अपसेंट लिखेंगे, तीन ही चीज़ होगी मेम्ब्रेन में भी। तो लिक्वर में आपने क्लियर लिखा, ब्लडी लिखा, क्लियर आ रहा है तो क्लियर, ब्लड आ रहा है तो ब्लड, अगर मेकोनियम आ रहा है तो मेकोनियम, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो CBM, ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है तो क्लियर C लगा देना है क्लियर का, ब्लड आ रहा है तो B लगा देना है, अगर म्यूकस मेकोनियम आ रहा है तो M लगा देना है। ऐसे ही मेम्ब्रेन अगर रप्चर हुई है तो रप्चर, अगर कुछ भी नहीं हुआ मेम्ब्रेन में तो इंटैक्ट, और अगर मेम्ब्रेन अपसेंट है तो अपसेंट लगा दो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भर ली हमने, मोल्डिंग में हमने लगा दिया, मोल्डिंग में हमने देख लिया कि स्लाइटली ओवरलैप है या कम्प्लीटली ओवरलैप है या ओवरलैप नहीं है, ठीक है, तो वो मोल्डिंग से पता चल गया हमको। ये तो हमने पढ़ लिया फीटल पार्ट के बारे में। अब दूसरा लेबर प्रोसेस, लेबर प्रोसेस में पहला क्या आता है, पहला आता है डिसेंट, क्या आता है डिसेंट, डिसेंट में क्या हो रहा है, डिसेंट में वही लिखना है आपको कि प्लस वन पे है, प्लस टू पे है, प्लस थ्री पे है, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, ये है फीटल स्टेशन, फीटल स्टेशन लिखने होते हैं आपको डिसेंट ऑफ द हेड, ये होता है डिसेंट ऑफ SCENT है, डिसेंट ऑफ हेड, तो उसमें आपको ये भरना होता है। तो लेबर प्रोसेस में पहला तो आपने डिसेंट ऑफ हेड भर लिया, दूसरा क्या भरोगे आप, दूसरा आप इसमें भरोगे सर्वाइकल डायलेशन, क्या भरोगे सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन से भी पहले आप कॉन्ट्रैक्शन भर दो इसमें, ठीक है, वैसे हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे अभी कैसे कैसे भरेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन भर दो आप इसमें, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हमको भरने होते हैं हर 30 मिनट में, हमको पालपेट करना होता है, एवरी 30 मिनट में हमें क्या करना होता है, पालपेट करके पता करने होते हैं और उनको रिकॉर्ड करना होता है, पालपेट करके रिकॉर्ड करना ही क्या कह रहा था हमारा, कॉन्ट्रैक्शन कर लिया हमने। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे इसमें, तीसरा पॉइंट जो फीटस
फीटस की पोजीशन है। अब पोजीशन आप भूल गए होंगे तो फिर से याद दिला दूं आपको कि हमने पेल्विस पढ़ा था, अब हमने एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हमने बोला है हर 4 घंटे में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में हमने देखा कि राइट या तो राइट कौन सी पोजीशन होगी, राइट ऑक्सीपुट इंटीरियर, राइट ऑक्सीपुट सॉरी लेफ्ट ऑक्सीपुट इंटीरियर ऐसे ही होगी, या ट्रांसवर्स होगा या पीछे होगा, या राइट पोस्टीरियर होगा या लेफ्ट पोस्टीरियर होगा, ठीक है। तो ये पोजीशंस होंगी, तो जो भी पोजीशन है यहाँ पे आर ओ ए एल ओ ए करके आपने भर देने हैं, ठीक है, मिडिल वाले पार्ट में। उसके बाद एक और चीज़ आती है इसमें, वो आती है आपकी सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। चौथा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है सर्वाइकल डायलेशन। तो सर्वाइकल डायलेशन में सिंपल सा क्या है, सर्विक्स का डायलेशन कैसे कैसे हो रहा है अभी हम देखेंगे, जब हम सर्वाइकल डायलेशन भरेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि कैसे भरते हैं। सर्वाइकल डायलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस क्रॉस वाले इससे हम क्या करते हैं, सर्वाइकल डायलेशन को डिनोट करते हैं। तो ये हम भरते हैं मिडिल वाले पार्ट में, दोबारा से बता रहा हूँ। लेबर पहले FHR वाले में हमने सबसे ऊपर भरा था फीटल के बारे में, लेबर प्रोसेस में 4 चीज़ें आती हैं, फीटल का हेड कैसे डिसेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये डायलेशन कितना हो रहा है सर्विक्स का, और जो फीटल पोजीशन है वो कैसी है, आर ओ ए है एल ओ ए है, तो ये भरते हैं हम दूसरे वाले में, ठीक है। अब आता है तीसरा वाला पार्ट हमारा जो सबसे नीचे आता है, ठीक। इसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये होता है हमारा मैटरनल वाला पार्ट, ठीक है, मैटरनल वाला पार्ट। अब मैटरनल वाले पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं फिर बताइए। मैटरनल वाले पार्ट में वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो जैसे ऊपर भरा था हमने, नेम हो गया, गेस्टेशन हो गया, उसके अलावा आपका जो भी कोई अगर मेडिकेशन चल रही है, कोई ऑक्सीटोसिन वगैरह जो भी चल रही है, या उसको कोई फ्लूड वगैरह चढ़ रखा है, ये तो चलता है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कोई भी भर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है जिसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भरते हैं पल्स, ठीक है, पल्स हो गया, बीपी हो गया और टेम्परेचर हो गया, ये 3 चीज़ें हम मोस्टली देखते हैं मदर में, और भी देखते हैं मतलब बहुत सारी चीज़ें, यूरिन का देखते हैं ऐसे, तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम भर सकते हैं आसानी से, लेकिन पल्स वगैरह का इनमें इम्पॉर्टेंट क्या है, पल्स फिल करना होता है ग्राफ के थ्रू, कैसे, तो जो मैटरनल हम जब चेक करते हैं तो हर 30 मिनट में हमको पल्स चेक करनी होती है, जबकि बीपी और टेम्परेचर हम 4 आवरली चेक कर सकते हैं मदर में, क्लियर हो गया इतना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, थर्ड पार्ट में हमने मैटरनल का फिल कर दिया, क्लियर हो गया इतना, तो आपका इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमने इन पार्ट्स, हाँ जो चौथा नीचे लिख के आता है, एक छोटा सा लिख के भी आता है, जब आप पार्टोग्राफ अगर मेरे को मिलेगा, वैसे मैंने बोला है किसी को अगर वो लेके आते हैं तो वेल एंड गुड, की पार्ट की पॉइंट, ठीक है, की पॉइंट लिखा रहता है, तो उसमें आपको क्या लिखा रहेगा, इंटैक्ट है तो आई भरना है, अगर मेम्ब्रेन के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अगर क्या भरते हैं हम, सबसे पहले FHR का दिया होगा, फिर दूसरा दिया होगा आपका मेम्ब्रेन का, लिक्वर का क्लियर है, मैकोनियम है, या फिर उसमें ब्लड है, और वैसे ही इंटैक्ट है, रप्चर है, तो ये केवल कैसे कैसे की पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है, इंटैक्ट है, रप्चर है, या फिर अब्सेंट है, ऐसे मेम्ब्रेन है, ये दिए होगी, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। मेनली जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो हमको फिल करने हैं वो हमने पढ़ लिए। अब हम कैसे कैसे फिल करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फीटल वाला पार्ट होता है, सपोज़ ये है, क्लियर है, तो मैं फटाफट बना रहा हूँ उसको, इतना ज़्यादा ध्यान मत देना आप डायग्राम पे, बस समझने पे ध्यान देना। 3, 4, 5 सपोज इतना ही है, ठीक है। अब इसमें क्या 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 चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसा एक ग्राफ दिया होगा, उसमें क्या हमने बोला FHR, क्या दिया होगा FHR, तो यहाँ पे तो हम FHR लिखेंगे, तो FHR उसमें दिया होगा आपका 100 से शुरू किया होगा, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70 और 180 तक दिया होगा, क्लियर है। यहाँ पे हमको FHR दिया होगा और यहाँ पे दिया होगा टाइम, नीचे की साइड टाइम, ठीक है, मेंशन नहीं कर रहा हूँ आप समझ जाना, यहाँ पे दिया होगा टाइम, क्लियर। अब टाइम कैसे दिया होगा हमको, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सपोज 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, क्लियर है।
तो ये हमारा टाइम है, टाइम का मतलब 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, जैसे 7 o'clock हमारे पास पेशेंट आया, 8 o'clock हमने FHR वगैरह स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 8 o'clock जब हमने FHR देखा, तो अब फीटल हर्ट रेट को कैसे देखते हैं, देखिए। तो सपोज 8 o'clock हमने जो उसका CPR देखा, तो वो आया कितना, 8 o'clock आया वो 110, ठीक है। फिर हमने बोला था क्या, हम कब करते हैं FHR, कितनी देर में कर देते हैं हम बताइए, FHR कितनी देर में करते हैं, 30 मिनट के अंदर करते हैं, हर 30 मिनट के अंदर करते हैं। तो हम सपोज़ करो हमने फिर चेक किया कब, हमने 9 o'clock चेक किया, तो 9 o'clock हमको जो देखने को मिला वो देखने को मिला कितना, 120 देखने को मिला, तो हमने ऐसे कर दिया। फिर हमने देखा 10 o'clock, या इससे पहले ही देख लिया, सपोज़ यहाँ पे देख लिया, तो वहाँ पे हमको फिर से 110 देखने को मिला, 110। तो ऐसे सिंपल सा होता है हमारा FHR भर देना, ऐसे ही चार्ट दिया होगा, देख लो कितने बजे, यहाँ नीचे टाइम दिया होगा और ऊपर ऐसे ही फिटल हर्ट रेट दी होगी। तो सिंपल सा 8 o'clock कितना था, 9 o'clock कितना था, अब इससे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे नीचे डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फीटस को क्या हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे हम सिंपल सा भर देते हैं क्या FHR, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, क्लियर। उसके बाद है ये हमने FHR फिल कर दिया, ठीक। अगर सपोज हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बनाए, हो सकता है अगले वाले में कितना आ जाए, 10 o'clock ज़्यादा आ जाए, ठीक। तो ऐसे हम FHR चेक कर लेते हैं, ये हमने फीटल हार्ट रेट चेक कर लिया। अब जहाँ पे फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं, अभी हमने बोला था ऊपर वाले पार्ट में ही दो और चीज़ें आती हैं, तो उन दो और चीज़ों के लिए ये सिंपल सा ऐसे बना रहता है ग्राफ, इसी ग्राफ के ऊपर जो हमने FHR वाला ग्राफ बनाया था उसी के नीचे ऐसे दो और टेबल्स बने होते हैं, ठीक है। ये ऊपर तो लिखा रहेगा आपका लिक्वर और नीचे लिखा रहेगा मेम्ब्रेन, सॉरी मोल्डिंग, क्या लिखा रहेगा, मोल्डिंग, ठीक है। तो लिक्वर में तो आप क्या लिखोगे, लिक्वर में लिखोगे क्लियर है तो क्लियर है, ठीक है, या मैकोनियम है तो मैकोनियम है, मतलब फर्स्ट अगर 8 o'clock लेके चले तो 8 o'clock क्या था, फिर 10 o'clock, फिर 12 o'clock, जितना भी टाइम दिया होगा नीचे, यहाँ नीचे टाइम दिया होगा और यहाँ पे ये दो चीज़ें भी होंगी। तो 8 o'clock तो जो लिक्विड निकल रहा था, ठीक है, जो फ्लूड बाहर आ रहा था वो कैसा था, क्लियर था। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसमें मैकोनियम आ रहा है, फिर हमने देखा कि उसमें कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है। तो ऐसे ही टाइम के साथ इसको होल्ड करते हुए जाएंगे। ऐसे ही 8 o'clock तो माइनस में था, मतलब अभी फीटल हेड आया ही नहीं था वहाँ पे। फिर उसके बाद 10 o'clock हमने देखा +2 पे आ गया, मतलब दिखने लग गया हेड। फिर हमने 12 o'clock देखा तो फिर कितने, वैसे हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं देखते हैं, ठीक है, हर 4 hourly देखते हैं हम। तो यहाँ पे कितना होगा, 12 o'clock होगा, ठीक है, क्योंकि वो जनरल एग्जामिनेशन 12 hourly कर रहे हैं, तो मोल्डिंग तभी तो पता चलेगा आपको, स्लाइटली मोल्डिंग हुई है क्या हुई है, तो आप यहाँ पे देख लोगे, क्लियर है। तो ये भी सिंपल है, ये उसी उसके नीचे है, लिक्वर और मोल्डिंग, यहाँ पे आप भर लोगे इसको। अब अगला आता है, ये हमने पढ़ लिया टॉप वाला पार्ट, पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब दूसरा वाला पार्ट हमारा शुरू होता है, दूसरा वाला पार्ट कैसे शुरू होता है, अब उसमें हम पढ़ने वाले हैं लेबर की प्रोसेस के बारे में, क्या पढ़ने वाले हैं, लेबर की प्रोसेस के बारे में। इजी नहीं रहता टेबल बनाना, मैं एक बार सोच रहा था कि पहले टेबल बना लूँ उसके बाद वीडियो बनाऊँ, पर फिर सोचा कि नहीं, साथ में ही करते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए अच्छा बुरा तब होता है, समझ में ही ना आए तो अच्छा बुरा क्या है, ठीक। अब हमने क्या भरना है, लेबर की प्रोसेस भरनी है, उसमें हमने क्या भरना है, हमने बोला था एक तो हम सर्वाइकल डाइलेशन भरेंगे भैया इसमें, और दूसरी चीज़ क्या भरेंगे हम इसमें, डिसेंट ऑफ हेड, ठीक है, डिसेंट ऑफ हेड। अब इसमें होता कैसे है, दो चीज़ें यहाँ पे भरेंगे हम ऊपर को, तो सर्वाइकल डाइलेशन कितना होता है मैक्सिमम, कितना होता है, 0, 1, 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैक्सिमम 10 cm तक होता है सर्वाइकल डाइलेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे टाइम, टाइम मतलब यहाँ पे आर लिखते हैं एक्चुअली हम, फर्स्ट आर, सेकंड आर, थर्ड आर, फोर्थ आर, ये ज़्यादा दूर दूर हो गए तो इनको कुछ नज़दीक बना लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी है, ठीक है,
तो इनको ऐसे ही भर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये कौन सा आ रहा है हमारा, ये फर्स्ट आ रहा है सपोज, ये सेकेंड आ रहा है, ये थर्ड आ रहा है, ये फोर्थ आ रहा है, ये फिफ्थ आ रहा है, ये सिक्स्थ आ रहा है, ये सेवन्थ आ रहा है, ये एट्थ वाला आ रहा है, और ये नाइन्थ वाला है, ये टेंथ है, ये इलेवेंथ है, ये ट्वेल्थ है, ठीक है। ये आर्ट्स में हमने बोला है, ठीक। आर्ट्स का मतलब हर एक आर के बाद है हम बात कर रहे हैं। अब हमने बोला सर्वाइकल डायलेशन, क्या बोला हमने, सर्वाइकल डायलेशन। तो सर्वाइकल डायलेशन जब भी हम क्या करते हैं, सर्वाइकल डायलेशन जब भी हम डिनोमिनेट करते हैं तो किससे करते हैं, डायलेशन को मैंने बोला था ऐसे कुछ क्रॉस लगा के, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा डिसेंट ऑफ द फीटल हेड। तो डिसेंट ऑफ द फीटल हेड को ऐसे ओ समझो या जीरो समझो आप, कुछ भी इससे, ठीक है। अब पहले हम सबसे पहले क्या होता है, अब सपोज हमने क्या किया, फर्स्ट आर में चेक किया, फर्स्ट मदर आई 7 o'clock और हमने 8 o'clock चेक किया, ठीक है। यहाँ पे मैं आर्स लिखूँगा, 8 o'clock चेक किया तो हमारा जो सर्विक्स का डायलेशन हो रखा था 8 o'clock वो कितना हुआ था, सर्विक्स डायलेट कितनी हुई थी, वो हुई थी 2 centimeter, ये सेंटीमीटर में है सारे, ठीक है, 2 centimeter। तो हमने ऐसा लगा दिया, क्लियर। और हमने देखा कि जो फीटल का हेड है वो बिल्कुल भी डिसेंट नहीं हुआ है। अब डिसेंट नहीं हुआ है तो हमने डिसेंट -1 लगाना था, लेकिन -1 तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं 5, ठीक है। हम क्या लगा दिया हमने 5, अगर 5 जो ग्राफ वाला पार्ट है उसमें आपको जो हेड डिसेंट दिखा रखा है वो अगर 5 पे दिखा रखा है तो इसका मतलब है बिल्कुल भी डिसेंट अभी नहीं हुआ है। कब, 1 घंटे में जब हमने देखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा क्या, फिर हमने देखा 4 hours के बाद में, मतलब 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे के आसपास हमने देखा, तो हमने क्या देखा, जो फीटल का जो सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है वो कितना हो गया 8 o'clock पे, सॉरी 12 o'clock पे कितना हो गया, 4 centimeter तक डायलेट हो गया, ठीक है, 4 centimeter तक डायलेट हो गया। और वहीं पे हमने देखा सर्वाइकल, अब ये क्या नाम कहते हैं, फीटल हेड भी कहाँ पे आ गया, +4 पे आ गया। तो +4 अब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है, +4, क्योंकि फीटल स्टेशन में, फीटल पोजीशन में +4 होता है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अब हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके यहाँ पे लेटेंट फेज कहाँ तक होती है, 8 o'clock तक। जैसे 8 hours के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा, अलर्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लगभग हमारा ये हो गई हमारी अलर्ट लाइन। फिर इसके लगभग 4 hours के बाद से क्या होती है, हमारी शुरू होती है कौन सी, एक्शन लाइन, ये होती है एक्शन लाइन। क्या होती है, एक्शन लाइन, ये है अलर्ट लाइन। अब अलर्ट लाइन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ कि 4 hours के बाद, ठीक है, तो कितना होना चाहिए हमारा, ये प्रोग्रेस बढ़ना चाहिए। अगर अलर्ट लाइन के बीच में, अलर्ट लाइन के बीच में और एक्शन लाइन के बीच में यहाँ पे कहीं पे, अब सर्विक्स का डायलेशन कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, किससे ज़्यादा, अलर्ट लाइन के आगे जाना चाहिए, मतलब राइट साइड नहीं रहना चाहिए, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड पे क्या होगा, इस सर्वाइकल डायलेशन की लेंथ को जाना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मैं 11 o'clock या 10 o'clock चेक कर रहा हूँ तो कितना आना चाहिए सर्विक्स का डायलेशन, अब इससे यहाँ नहीं रहना चाहिए हमारा, ठीक है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ रहेगा तो मतलब क्या है, कम सर्विक्स डायलेट हुई है। तो सपोज हमारा कितना आ गया, 6 centimeter या 8 centimeter, इसके बाद ही हमारा, हमने 12 बजे देखा तो यहाँ पे हमारा इतना आ गया। तो इसको बोलेंगे हम, अगर इन दोनों के बीच में आपका जो सर्विक्स का डायलेशन चल रहा है, और सर्विक्स भी हमारी कितनी डायलेट हो गई पूरी 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गई, तो यहाँ पे हमारा लेबर का प्रोसेस सही चल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर इस लाइन से, जो अलर्ट लाइन है, इससे पहले अगर यहाँ कहीं पे आ रहा है हमारा, यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है, राइट साइड पे कहीं पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा लेबर कहीं ना कहीं लेट हो रहा है, बहुत प्रोलॉन्ग हो रहा है लेबर, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है कि अलर्ट लाइन से अगर यहाँ पे कहीं पे हमारा डायलेशन हो रहा है, या फीटल हेड डिसेंट का यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, सपोज डायलेशन का ही ज़्यादा मानते हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच में आना चाहिए, मतलब करेक्ट है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं हमारी। अगर एक्शन लाइन के भी नीचे आती हैं, ठीक है, अगर एक्शन लाइन के भी नीचे आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है,
अब यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे या तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा या बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा इतना भरना होता है एक्शन लाइन के नीचे का, मतलब अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अलर्ट लाइन के यहाँ का मतलब अब यहाँ पे रेडी है, मतलब अप्रोक्सीमेटली सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अलर्ट लाइन से पहले का मतलब क्या है कि प्रोलॉन्ग हो रहा है, टाइम लगा रहा है बहुत, क्लियर। तो ये इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सर्वाइकल डाइलेशन और फीटल हेड का डिसेंट, हमने सिंपल सा पढ़ लिया। इसमें इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, लेकिन आप अगर दो तीन बार इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आता है सर्वाइकल डाइलेशन के बाद क्या आता है हमारा, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमको जो देखने को मिलता है वो हम पढ़ते हैं मैटरनल वाला, क्या पढ़ते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, अभी तो हमारे कॉन्ट्रैक्शन बचे हुए हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्शन कितने होते हैं भैया। अब उसमें भी हम एक कॉन्ट्रैक्शन वाला जो चार्ट होगा उसमें भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे चार्ट बना हुआ होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब आप चेक करोगे तो ऐसा बना हुआ होगा चार्ट, ठीक। अब उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे आपका सपोज मिनट दे रखा है, 10 मिनट, 20 मिनट टाइम दिया होगा यहाँ पे, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, और यहाँ पे क्या दिया होगा, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन, दो कॉन्ट्रैक्शन, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6-7 तक। अब क्या हो रहा है, जैसे हमने फर्स्ट 10 मिनट में देखा, तो हमने क्या देखा फर्स्ट 10 मिनट में, यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मतलब 10 मिनट के अंदर केवल एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो ये हो गया। फिर हमने अगले दस मिनट बाद देखा तो भी हमको लगा कि भैया 10 ही आ रहा है फिर भी, लेकिन हमने 30 मिनट के अंदर देखा, वहाँ पे हमको कितने आने लग गए, 3 कॉन्ट्रैक्शन आने लग गए। 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आने लग गए, 3। इसी को क्या बोलते हैं, आइडियल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको ऐसे ही फिल कर लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, बस कॉन्ट्रैक्शन टाइम दिया होगा, कॉन्ट्रैक्शन दिए होंगे, जितने टाइम पे आ रहे हैं, जैसे 10 मिनट पे आए, यहाँ पे 7 बजे शुरू किया था, 7:10 पे आपको पता चला कि केवल एक कॉन्ट्रैक्शन आया इस 10 मिनट में। अगले 10 मिनट में चेक किया तो वहाँ पे आपको पता चला कि एक ही कॉन्ट्रैक्शन आया। तो जितने कॉन्ट्रैक्शन आएंगे ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये टाइम है, तो ऐसे इसको फिल कर देना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आप इसको देख लेंगे चार्ट को तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप चार्ट देखोगे नहीं तब तक आपको थ्योरेटिकली इसको याद रखना पड़ेगा। अब हमने ये पढ़ लिया, हमने दो पार्ट ऊपर के, अब जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा मैटरनल वाला। अब मैटरनल वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर देते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। अब इसमें भी एक चार्ट होता होगा ऐसे, क्लियर है। अब इसमें भी क्या होता होगा, यहाँ नीचे टाइम होता होगा, 2, 4, 8, 10, 12, ऐसे 16, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे भी इसमें हम दोनों चीज़ें साथ में भरते हैं, क्या क्या, एक तो पल्स और एक बीपी। कैसे, अब पल्स कहाँ से ही शुरू होती है, 100, 120, 140, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हो सकता है कितने भी मिले, ठीक है, ये 60 से होती है एक्चुअली, ठीक, 60, 100, 140, 160, 200, वहाँ पे जो भी लिखा होगा दिख जाएगा आपको, इस साइड रीडिंग लिखी होगी और इस साइड टाइम लिखा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट आर, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ऐसे करके हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। अब इसमें दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या रखनी है, जब हम पल्स को दिखाते हैं, जैसे हमने सपोज फर्स्ट आर में, मतलब यहाँ पे समझ लो 7 बजे हम आए थे, तो 8 बजे हमने जब पल्स चेक की, तो पल्स तो हम हर 30 मिनट में करते हैं, तो हमने कहाँ पे चेक की पल्स, पल्स हमने चेक कर ली 7:30 बजे, तो हमारी पल्स कहीं पे यहाँ पे आ गई, मतलब 100 आई हमारी, ठीक है, 100। अब हमने उसी टाइम पे क्या देखा, बीपी भी देखना होता है, तो जब हमने बीपी देखा तो बीपी में दो रीडिंग्स आती हैं, तो बीपी की जो, जैसे सपोज बीपी की आपकी रीडिंग आ गई 100/80, या मैंने 80 यहाँ पे 80 समझ लो, ठीक है, 60 के बाद यहाँ पे 80, करेक्ट है, ठीक है। सपोज आपकी जो रीडिंग आ गई वो आ गई 140, चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आप कुछ भी बना सकते हो,
जैसे 140 कितना आ गया, 140 बाई 80 आ गया। तो आप क्या करोगे, एक तो सबसे ऊपर लगाओगे पहले, सिस्टोलिक जो भी होगा वो ऊपर लगेगा और डायस्टोलिक उसी में क्या लगेगा, नीचे लगेगा। फिर इसको एक लाइन के थ्रू हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जो डॉक्टर आएगा उसे पता लग जाएगा कि कितना बीपी है, 140 बाई 80 बीपी है। कब? इस 2 बजे। ऐसे ही 3 बजे 4 बजे ऐसे ही बनाया। फिर अगली बार हमने 5, मतलब यहाँ पे इसको टाइम ही समझ लो, 1 2 3 4 6 बजे हमने देखा, 6 बजे हमने देखा कि जो ब्लड प्रेशर है वो कितना गया हुआ है, वो गया हुआ है 160 बाई 140। तो हम लाइन से इसको ऐसे दिखा दें। 6 बजे ही हमने पल्स भी चेक करी, तो पल्स आ रही थी हमारी कितनी, 80। तो 80 हमको अकेले यहाँ पे दिखानी पड़ेगी ऐसे। तो इससे डॉक्टर समझ जाएगा कि भैया, या जो भी प्रोफेशनल है वो समझ जाएगा कि बीपी इतना है और पल्स इतना है। तो ये सिंपल सा हमने पढ़ लिया किसमें, मतलब आपको ये याद रखना है कि डॉट पल्स के लिए है और ये जो लाइन वाला दोनों एक दूसरे से लिंक है ये बीपी के लिए है। क्लियर है? यहाँ टाइम दिया होगा, यहाँ पर रीडिंग दी होगी, सिंपल सा कर लेना है, कोई टफ नहीं है इसमें। अब एक और लाइन होती है इसी में, अब इसी के नीचे एक ऐसे लाइन बनी होती है, एक तो यहाँ पे आईवी फ्लूड की बनी हुई होगी और एक टेम्परेचर की बनी हुई होगी। ठीक है, बीपी मैंने बोला था हर 4 आवर्स में लेते हैं, ठीक, बीपी और टेम्परेचर। तो आईवी फ्लूड की भी ऐसी लाइन बनी हुई है, यहाँ पे आपको पता है क्या आएगा, 7 o'clock देखा आपने टेम्परेचर कितना था वो लिख देना है यहाँ पे, आईवी फ्लूड कौन सा दिया है, जैसे सपोज ऑक्सीटोसिन दिया है अभी या कुछ भी दिया है तो वह यहाँ पे लिख देना है। ये सिंपल सा ऐसे करना है। तो सिंपल सा आपको थ्योरीज याद रखनी है इसकी और कुछ नहीं करना है। ये सिंपल सा हमारा फिल हो गया क्या, पार्टोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा मुझे इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ डाउट आए, क्योंकि जब तक हमारे पास ओरिजिनल परफॉर्मा नहीं होगा हो सकता है हमको पता ना चले कि क्या है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, जो मैटरनल वाला पार्ट है वो सबसे ऊपर भरा जाता है, जिसमें हम क्या क्या भरते हैं, सॉरी जो फीटल वाला पार्ट है FHR देखते हैं उसमें, उसमें ही हम लिक्वर और एमनियन देखते हैं, क्लियर है कैसा है, उसमें ब्लड तो नहीं है, मैकोनियम तो नहीं है, उसी में हम मेम्ब्रेन को देखते हैं और उसी में हम मोल्डिंग देखते हैं। तो ये 4 चीज़ें हम देखते हैं फीटल वाले पार्ट में। जो बीच वाला पार्ट है उसमें हम लेबर प्रोसेस देखते हैं, कौन सा, डिसेंट ऑफ हेड देखते हैं उसमें, +1 +2 +3 वाला। उसके बाद हम सर्वाइकल डायलेशन देखते हैं इसमें कितना हो रहा है, सर्वाइकल डायलेशन को हमने बोला था ऐसे देखते हैं। और दूसरी चीज़ डिसेंट ऑफ हेड को हम कैसे देखते हैं, उसको 0 से देखते हैं ऐसे, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तीसरी चीज़ हमने बोला था, हमने इसमें फीटल पोजीशन देखते हैं, तो फीटल पोजीशन में आपने सिंपल फीटल पोजीशन का लिख देना है, क्या है, LOA है, ROA है, जो भी होगा वो आपने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। चौथा, फीटल पोजीशन के अलावा हम इसमें क्या देखते हैं, एक और पॉइंट और देखते थे हम, फीटल पोजीशन, हाँ हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन चेक करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का भी मैंने बता दिया था। कॉन्ट्रैक्शन में कैसे होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्शन वाला चार्ट देखोगे तो इसका उसमें लिखा रहता है कि 20 आ रहे हैं, 20 से 40 आ रहे हैं, वो हमने बना लिया था कि कितने कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो पीछे देख लेना, ठीक है। तो दूसरे वाले पार्ट में हमने ये भर लिया। जो थर्ड वाला लास्ट वाला पार्ट आता है उसमें हमने मैटरनल पढ़ा, मैटरनल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें हमने पल्स भर लिया, बीपी भर लिया, मदर को अगर कोई फ्लूड चढ़ा है वो भर लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, उसके अलावा यूरिन आउटपुट भी आता है इसमें और थोड़ी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा क्या था, पार्टोग्राफ था, क्लियर। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।